कुरुक्षेत्र की अनाज की मंडी भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी हरियाणा में है। हरियाणा की सरकार वहां की महिलाओं को स्नातक डिग्री तक निशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। भारत में ग्रामीण करोड़पतियों की सबसे ज्यादा संख्या हरियाणा राज्य में है, जिनमें ज्यादातर तो सिर्फ किसान ही है। 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 38 गोल्ड मेडल जीते थे, जिसमें 22 मेडल अकेले हरियाणा ने जीते थे। हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना था जहां पर पूरे राज्य के हर एक गांव में बिजली पहुंचाई गई थी। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य बना। उसी समय हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दोनों राज्यों को पंजाब से अलग किया गया। फरीदाबाद शहर हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। आर्थिक रूप से विकसित राज्यों में पूरे दक्षिण एशिया में हरियाणा सबसे आगे है। प्रति व्यक्ति की आवक में हरियाणा दिल्ली और गोवा के बाद तीसरा है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है और वही चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और दोनों राज्यों का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में मौजूद है। भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था। पानीपत के 3 युद्ध भी इसी मैदान में हुए थे। हरियाणा के रोहतक शहर का शोरी बाजार पूरे एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कपड़ों का बाजार है। हरियाणा के भिमानी शहर में भारत के सबसे अच्छे बॉक्सर पैदा हुए हैं, जिनमें विजेंद्र सिंह, अखिल कुमार, जितेंद्र कुमार और विकास कृष्णा यादव है। 1960 की हरियाली क्रांति में हरियाणा का सबसे भारी योगदान था, उसी की वजह से देश आत्मनिर्भर हो पाया था। बॉलीवुड के कई लोकप्रिय कलाकार ओम पुरी, जूही चावला, रणदीप हुडा, सोनू निगम, परिणीति चोपड़ा, मल्लिका शेरावत सब हरियाणा से है। 2007 में आसाम में खेले गए 33वें राष्ट्रीय खेल के दौरान 96 मेडल में से 80 मेडल अकेले हरियाणा ने जीते थे, जिसमें 30 सुवर्ण पदक, 22 रजत और 28 कस्य पदक शामिल थे। हरियाणा का द ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और लंबे रास्तों में से एक है। शोधकर्ताओं ने साबित किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा की शुरुआत राखीगढ़ी से हुई थी, जो हरियाणा हिसार जिले में थे। कार, टू व्हीलर और ट्रैक्टर जिससे वाहनों का सबसे बड़ा निर्माता हरियाणा राज्य है, जिनमें हीरो होंडा, मारुति लिमिटेड, देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी वह मौजूद है। साल 2000 के बाद प्रति व्यक्ति इन्वेस्टमेंट में हरियाणा काफी ऊपर आया है और घरेलू उत्पादन में भी हरियाणा देश में दूसरे नंबर पर है। दुनिया के मशहूर खिलाड़ी साइना नेहवाल, कपिल देव, विजेंद्र सिंह, साक्षी मलिक, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बैठा कुमारी, विनेश फोगाट और गीता फोगाट जैसे खिलाड़ी हरियाणी के देन हैं। देश में सबसे ज्यादा इंडियन पुलिस सर्विस अफसर हरियाणा से है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।